बंगल जई को आपने खिलाया, बंगल जई की आज बैटिंग नहीं आ सकी, हफीज को क्यों कैरी कर रहे हैं जब हफीज एज ए बैट्समैन खेलते हैं, उनकी बैटिंग ही नहीं आ रही, उनको प्रॉपर नंबर नहीं दिया जा रहा, ये सारे आपको लगता है कि बैटिंग में मसाइल हैं? देखिए, क्वेटा है या जलमी है, इन लोगों के साथ मसला ये है कि जो उनका ओपनिंग है ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ओपनिंग की बात देखें तो शुरू में क्वेटा की विकेटें लास्ट मैच में भी हमने देखा था, वो गप्टल ने और इफ्तिखार ने बचा लिया था, दोनों ने मिलकर 150 रन बना दिए, वरना तो मैच गया था। और आज भी आप देख लें, शुरू में सारे खिलाड़ी आउट हो गए, तो फिर सरफराज ने और इफ्तिखार ने पहले 75 की गालमन या 74 की, फिर इफ्तिखार ने ही कि जो उन्होंने अपनी फॉर्म को कैरी किया है वो बीपीएल की फॉर्म को, उन्होंने बाद में फिर जो दूसरे खिलाड़ी थे उनके साथ गालमन ओडिन स्मिथ थे या कौन थे उनके साथ मिलकर उन्होंने 43 रन की पार्टनरशिप जो लगाई है। तो ये क्वेटा के साथ और आप देखेंगे जलमी के साथ भी यही है कि जो ओपनर्स हैं ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब आप मोहम्मद हारिस को देख लें, मोहम्मद हारिस जब आपको पता है कि आपने एक ओवर मिस्ड आते साथ ही दो चौके लगा दिए हैं, दूसरे ओवर में भी आपने चौके लगा दिए, तो आपको एक इस तरह के शॉट खेलने की क्या जरूरत है? मतलब आप अटैकिंग बैट्समैन हो, एक बैटर हो आप, लेकिन एक गैर जरूरी शॉट शुरू में खेलने की जरूरत नहीं है। अब ये क्यों नहीं, क्यों करते हैं इस तरह? क्योंकि फर्स्ट क्लास खेलते नहीं है, आपको पता ही तो नहीं है। फर्स्ट क्लास खेलते हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैचेस खेले उन्होंने, अभी तो अभी कैरियर भी शुरू है ना, पांच तो कैरियर भी अभी शुरू है ना, अभी यंगस्टर है, उसने आगाज किया, उसने खुद से तो मना नहीं किया, यहां तो ऐसे भी प्लेयर है ना खुद से फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। हैदर अली की मिसाल आप ले लें, हैदर अली को कितना अरसा हो गया, मिस्टर टैलेंट है, मैं तो कहता हूं ओवररेटेड टैलेंट है, फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं। आप ये जो हमारे खिलाड़ी है ना, अब आप ये देखें जो मैं कहना चाह रही हूं आपसे, हमारे यहां जब डोमेस्टिक का सीजन होता है, या तो इस दफा तो चले हुए ऐसा हो गया कि हमारी वो नेशनल टीम खेल रही थी, वरना अपनी अपनी लीग्स को खेलने में ज्यादा, इमाद वसीम को देख ले और आजम खान को देख ले, आजम खान के अंकल ने खुद उनको एनओसी दिया कि जाओ बेटा तुम क्या डोमेस्टिक में टाइम जाया करोगे, जाओ पैसे कमाओ, जाके माल बनाओ। तो जब आप डोमेस्टिक खेलोगे नहीं, ये सेंस आपको आएगी नहीं। और अगर मोहम्मद हारिस ने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं खेली है तो आपको प्रॉपर स्टैब्लिश करके प्लेयर को लेके आना चाहिए।